हेलो एवरीवन आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मेरे पैरेट फिश और टीम फॉयल बाप फिश के टैंक के ऊपर होने वाला है तो बहुत दिन से आपके पैरेट फिश और टीम फॉयल बाप फिश के ऊपर वीडियो नहीं आए थे तो इस वीडियो में हम सब शेयर करेंगे पैरेट और टीम फॉयल बाप और एक सिकलेट भी है आप देख सकते हैं कि ये वाला टैंक का स्थिति कैसा है तो आप देख सकते हैं ये थ्री फिट का टैंक है आप जैसा कि जानते हैं फोर फिट टैंक में ये सारे फिशेज थे टीम फॉयल थे आपके पैरेट फिश थे इधर ऑस्कर थे लेकिन फिलहाल अभी इन सबको अलग अलग टैंक में शिफ्ट करना पड़ा मुझे क्योंकि हमारी जाइंट गुरामी जो है वो आठ इंच से लगभग पंद्रह इंच प्लस हो चुकी है तो उसे मैं फोर फीट वाले टैंक में रख दिया जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ऊपर अंधेरा होगा ये देखिए ठीक है फिलहाल तीन फिट वाले टैंक में आपके टीम फॉल बाब और आपके पैरेट फीसेज मिलेंगे ठीक है अब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा कि आप पैरेट फिशेस को कैसे और टीम फॉल बाफ फीसेज को कैसे बड़ा कर सकते हैं ठीक है सबसे पहली बात तो टीम फॉल बाफ फीसेज रखते हैं तो ये एक प्रकार की ग्रुपिंग फिश है मैं दोनों फिशेस के ऊपर आज चर्चा करूंगा ठीक है पहले हम सब टीम फॉल बाप फीसेज के ऊपर आते हैं तो टीम फॉल बाफ फीशेज जो है वो एक ग्रुपिंग फीसेज होती है इसे आप कभी भी सिंगल या पेयर में ना रखें ये मेरा रिक्वेस्ट है ठीक है पेयर या सिंगल में नहीं रखेंगे प्लस इस इसको बहुत सारे आप फिशेज के साथ आसानी से रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं सिकलेट के साथ रह जाती है पर सिकलेट की मात्रा अगर अधिक होगी और टिम्फल बाप फिशिज़ की क्वांटिटी कम होगी तो आप ना रखें क्योंकि सिकलेट फिर अटैक करेगी प्लस टिम्फल बाप फिशिज़ सिमिलर साइज़ का अगर हो जैसे कि इस इसमें देख सकते हैं आप टिम्फल बाप फिशिज़ और पैरेट फिशेज और ऑस्कर फिशेज भी सब तीनों जो है एक ही साइज़ की है तो एक ही साइज होने के कारण एक ही साइज़ होने के कारण आप रख सकते हैं तो टिम्फॉल बाग फिशेज़ की क्या टेंकमेंट्स होते हैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा तो टिम्फॉल बाग फिशेज को हमेशा आपको ग्रुप में ऐड करना चाहिए जैसा कि मेरे पास छः है प्लस इसको फूड में आपको क्या देनी चाहिए तो फूड में आप इसको ऑप्टिमम का जो सिकलेट फूड आता है वो दे दें बहुत अच्छी फूड होती है और ये बहुत जल्दी फास्ट होती है फास्ट ग्रो करती है अगर आप इसे दो टाइम फीड करेंगे अच्छे से तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी और एक फीट प्लस हो जाती है तो इसके लिए अगर टैंक साइज़ की बात करें तो अगर छोटी है तो आप तीन फीट टैंक में कम से कम तीन फीट टैंक में रखें ठीक है ग्रुप में रखें आठ दस रख सकते हैं तीन फीट टैंक में जैसा कि मेरे पास है छः पीसे इसमें तो लेकिन ये जब बड़ी हो जाएगी फिर इसे आप फोर फीट फाइव फ़ीट टैंक में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा और ये दो टाइप की आती है ये टीम टिम्फॉल बाफ फीसेज है एक सिंपल टीम टिम्फॉइल बाफ फीसेज भी आता है वो अलग होता है ठीक है चलिए अब

प्लस पैरेट फिश को सैंड में रहना रख रखना चाहिए हमेशा क्योंकि वो सैंड में काफ़ी हद तक खेलती है ब्लैक सैंड आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ये ऑस्कर है हमारी मेरी ऑस्कर बहुत फुर्ती में रहती है हमेशा देख सकते हैं अभी फुट का इसका टाइम है तो इसलिए ठीक है तो मैं पैरेट फिश के ऊपर वही बात कर रहा था कि आपको हाइडिंग प्लेस देना ही देना है नहीं तो आपकी पैरेट फिश बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी और एक दूसरे फिश पर अटैक करने लगेगी जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी टीम फॉल बाप फिसेस और पैरेट फीसेस लड़ाई नहीं करती है एक दूसरे से कभी अटैक नहीं करती इंक्लूडिंग मैं ऑस्कर भी डाल दूंगा इसमें तो ये लड़ाई नहीं करेगी इसका कारण ये है कि हाइडिंग प्लेस प्रॉपर है इसको कंफर्टेबल महसूस होता है जब कंफर्टेबल महसूस होगा तो ये कलर वगैरह फेड नहीं करती है ठीक है सिंपल सा बात है ये बहुत अच्छे से फिर रहेगी तो आपको हाइडिंग प्लेस जरूर देना चाहिए और मिनिमम अगर आपको पैरेट फिसिस रखना है तो मिनिमम आपको तीन फीट का टैंक लेना चाहिए मैक्सिमम चार पाँच फीट तक ले सकते हैं ठीक है अगर आपको सिर्फ पैरेट ही रखना है तो आप सिर्फ पैरेट ही रखिए कोई टैंकमेट्स वगैरह ना ही रखें ठीक है अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप टैंकमेट्स ना ऐड करें आप सिर्फ पहले पैरेट फिश रख के देखें वो काफ़ी अच्छे से रहेगी पैरेट फिशेस के बाद आप कुछ दिन हो जाएगा छः से सात महीने उसके बाद आप कोई टैंकमेट्स ऐड कर सकते हैं तो वही मैं बता रहा था कि आपको पैरेट फिश रखना है तो आपको हाइडिंग प्लेस प्लस इसका प्रॉपर फीडिंग सिस्टम रहना चाहिए फीडिंग सिस्टम का मतलब आपको प्रॉपर फीड देना चाहिए मतलब ये नहीं कि एक बार दे देंगे रात में तो हो जाएगा नहीं तो फिर ये दूसरे फिसे को खा लेगी या अटैक करेगी ठीक है तो कम से कम सिकलेट वेराइटी की जितने भी फिशेज होती है उसको थ्री टाइम आप थ्राइस दिन में तीन बार जरूर आप फूड दें ये मतलब नित्य दिन आपको देना है और आपको कौन सी फूड देना है तो इसे ब्लड वार्म खिला सकते हैं इसे आप ऑप्टिमम सिकलेट दे सकते हैं हिकारी का सिकलेट का फूड आता है काफ़ी अच्छा होता है तो ये सब दे सक दे सकते हैं टेट्राविट्स वगैरह भी खा लेती है पर वो छोटे मछली के लिए पर आपको सिंपल से मैं बात बता रहा हूँ कि ऑप्टिमम दें हिकारी का सिकलेट का फूड दे सकते हैं और कम से कम दिन में तीन बार दें मतलब आठ आठ आवर पे आठ घंटा पे एक शेड्यूल फिक्स कर दें जैसे सुबह छः बजे दे, दे दिए उठने के साथ उसके बाद दोपहर में दो बजे दे दिए फिर रात में आप आठ बजे दे दीजिए हो गया तीन टाइम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जब आप देंगे तो आपकी पैरेट फिजेज जो है किसी फिसिज पे अटैक नहीं करेगी ये मैं गारंटी दे रहा हूँ फिर आप सब कमेंट करते हैं कि पैरेट फिशेस मेरी अटैक करती है अटैक करेगी ही उसे भूख लगी है तो अटैक नहीं करेगी सिंपल सा बात है तो वही है कि आप अगर एक बार फीड देंगे तो फिर वो अटैक करेगी ही करेगी तो आपको कम से कम तीन बार फीड देनी चाहिए हाइडिंग प्लेस का प्रॉपर ध्यान दें और जब भी आप फिशेज रेनी सीजन और विंटर सीजन में लाते हैं तो पीछे जो आप हीटर देख रहे हैं मैं सारे टैंक का हीटर खोल चुका हूँ बस इसका टैंक का रहने देता हूँ क्योंकि रेनी सीजन जब आएगा तो हीटर चलाने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि पैरेट फिशेज और फ्लावर हॉर्न ये दो फिशिज़ को गर्मी वाला पानी बहुत पसंद होता है गर्म वाटर हॉट वाटर तो 26 से 28 के बीच आप रखेंगे तो आपकी पैरेट फिशेस काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगी अभी मैं बंद करके रहता हूँ क्योंकि अभी मौसम उतना चेंज नहीं हो रहा है लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आएगा या फिर क्लाउडी सीजन रहेगा तो फिर मैं इसे तुरंत ऑन कर देता हूँ ताकि पानी का जो टेम्परेचर है वो मेनटेन रहे ठीक है तो इसके टैंकमेट्स वगैरह की अगर बात करें तो टिम्फॉल बाफ के साथ तो रही रही है आपकी पैरेट फिशेज सिकलेट के साथ रह जाएगी आपकी सेवरम फिशेज़ के साथ रह जाएगी आ, आपकी ये पैरिस ऑस्कर के साथ रह जाएगी इसे छोटे मछली के साथ ना रखें और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है मतलब पंद्रह साल प्लस जी लेती है तो बहुत ज़्यादा ही रहती है अगर आप एक छोटे से टैंक में भी एक पैरेट फिशेज लाते हैं मान लीजिए कि दो फिट का टैंक लाते हैं और एक पैरेट फिश रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक 10 से 12 साल आराम से जिएगी मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती है ठीक है बरसरती आप पानी का मेंटेन रखें पीएच एच वैल्यू कैलकुलेट करते रहें प्लस आपको गर्मी के दिनों में ये मतलब अगर आपको कोई भी फिशज हेल्दी रखना है मतलब कोई भी फिश की बात मैं कर रहा हूँ कोई भी फिश अगर आपको हेल्दी रखना है तो मुझे लगता है कि आपको थर्टी पानी जरूर बदलना चाहिए वीकली ठीक है तो अगर आप थर्टी पानी वाटर चेंज करते हैं वीकली तो आपकी पैरेट फिशिज या कोई भी फिशेज काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगी ठीक है तो ये थी टीम फैल बाप और पैरेट फिशेज के ऊपर वीडियो आपको कैसी लगी मेरी टीम फॉल बाप और पैरेट फिश के टैंक इसमें अभी मैं ब्लैक सेंड डाल डालूंगा ठीक है अभी थोड़ा टैंक भी मैं क्लीन कर रहा हूँ अभी थोड़ा मैं मॉली फिशेज में बिजी हूँ आपको पता है मॉली फ्राई के ऊपर बिजी हूँ तो अभी हमारी सारी फ्राई जीवित है कोई भी दिक्कत नहीं हुई है जैसा कि आप सब पिछली वीडियो में देखे थे ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी क्वेरी जो आप बेहिचक पूछ सकते हैं मैं रिप्लाई कर देता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो मेरी फिसेस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे ठीक है तो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय